मेरा नाम ज्ञानेंद्र शर्मा और मुझे लगभग 7 वर्ष का समय हो गया है। अधीक्षक साहब का एक जो अधिकारीगण है और जिन्होंने इस प्रोग्राम को शुभारंभ किया, मैं सबको धन्यवाद। शुरुआत में जब मैं आया 3 साल लगभग मैं डिप्रेशन में था और डिप्रेशन समाप्त होने के बाद जो कार्यशाला शुरू हुई मुझे बहुत अच्छा लगा। कार्यशाला प्रारंभ होने के बाद मैंने एनालाइज किया कि मैं यहाँ क्यों कष्ट में हूँ और इसका क्या रीज़न है, और बहुत सारे बंदे यहाँ आते हैं जल्दी छूट के भी चले जाते हैं। यहाँ जो शुरुआत में एक दो दिन शुरुआत की गई, बताया गया कि संबंध सुविधा और इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया, तो हमको इस बात का एहसास हुआ कि जिन लोगों के संबंध अच्छे थे वो जल्दी छूट गए, साथ में लोगों ने सहयोग किया, कंप्रोमाइज हो गया, जजमेंट हो गया, फेल हो गई, जैसे भी इन सारी चीज़ों में हम लोगों में कमी थी। कार्यशाला शुरू होने के बाद उसमें मैंने सुधार किया और जो कम्युनिकेशन था उसको बढ़ाया। मुझको ये लगा कि मेरे संबंध परिवार से सब ठीक हो गए हैं और वर्तमान में सब कुछ ठीक चल रहा है। दूसरी चीज़ ये थी कि जेल आने के बाद ये भी लगता था कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, क्या धारणा रखते हैं। तो एक चैप्टर इसमें भी ये बताया गया, सम्मान का एक चैप्टर था कि हम जब अपने आप को नहीं आंक पाते हैं, दूसरे को नहीं आंक पाते हैं और मान्यता के आधार पर कोई धारणा बना लेते हैं, तब अपनी भावना ऐसे अंदर पनपने देते हैं और वो आगे चल करके जो उसके रिजल्ट होते हैं वो हमेशा हमारे अपोजिट होते हैं। ऐसी धारणाओं को त्याग देना चाहिए कि हमारे बारे में कौन क्या सोच रहा है, और अपने अंदर एक अच्छे विचार जब उत्पन्न करेंगे तो अपनी ये धारणाएं स्वतः धीरे धीरे करके समाप्त होते हैं। तो ये परिवर्तन आया और बाकी कुछ जो झंझलाहट वगैरह की सारी चीज़ें थी वो समाप्त हो गई। सभी को धन्यवाद।